नमस्कार, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में कहां पाए जाते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा अपने बॉडी के नर्वस सिस्टम के बारे में जान जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम हमारे न्यूरोन्स की या नर्व सेल्स की बनी होती है, स्पेशली जो PNS है, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि किसकी बनी होंगी, न्यूरॉन्स की या नर्व फाइबर्स की। ये जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वर्क करती हैं, एक सेपरेट यूनिट की तरह वर्क करती हैं। और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स होंगे, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप होती है। ये जो गैप है, अब कह सकते हैं कि जो गैप हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक गैप तो वो क्या कि दो न्यूरॉन्स हैं, दो नर्व फाइबर्स हैं, उनके बीच में गैप हुआ। और दूसरा गैप कहा हो गया कि न्यूरॉन है और इफेक्टर ऑर्गन है, तो उस न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में भी एक गैप होगी। अब सपोज करें कि कोई मैसेज, कोई इंपल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कन्वे हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट हो रही है, वो इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व फाइबर्स के थ्रू आगे को बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जब न्यूरॉन्स उसके एंड तक आएंगे नर्व फाइबर का, तो दूसरे नर्व फाइबर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में एक गैप है। अब इस नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बॉडी ने एक केमिकल को सिक्रीट किया, और उस या नर्वस सिस्टम ने एक केमिकल को सिक्रीट किया, और उस केमिकल को नाम देते हैं, इट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। मींस न्यूरोट्रांसमीटर्स दो जगह पाई जाएंगे। फर्स्ट वन इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और टू नर्व सेल्स और टू नर्व फाइबर्स, एंड दूसरा क्या हो गया कि गैप बिटवीन न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर ऑर्गन, नर्व सेल फाइबर्स एंड इफेक्टर ऑर्गन्स, मीन दो जगह गैप हो गई। अब इन दो जगह पर जो केमिकल पाई जाएंगे, उस केमिकल को हम नाम दे देते हैं, दे आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी बॉडी में मोर देन 50 से भी ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, लेकिन इन 50 में से जो 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उसमें हम लोग इन 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हम वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, उनका हम नाम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, गामा एमिनो ब्यूटैलिक एसिड। रिपीट कर रहा हूं, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड गामा एमिनो ब्यूटैलिक एसिड। अब ये जो 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन 6 में से भी दो को हम कहेंगे दे आर द क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर। क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो सबसे ज्यादा बॉडी में पाई जाती हैं, वो हमारी ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक का नाम है एसिटाइल कोलिन और दूसरा का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो आज के वीडियो में हम लोग एसिटाइल कोलिन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, एसिटाइल कोलिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि बॉडी का कोई भी नर्व फाइबर्स जो एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करते हैं, उन नर्व फाइबर्स को नाम देते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स, या हम कह सकते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। मीन्स कि जो नर्व, जो न्यूरॉन, जो नर्व सेल्स, जो नर्व फाइबर एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट कर रहा है, उस नर्व फाइबर को नाम देंगे कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। अब लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स कहां कहां पाए जाते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा अपना पिछला सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि बॉडी के अंदर दो सिस्टम है, एक का नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा नाम देते हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज कन्वे होती हैं, वो नर्व सेल्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व फाइबर्स के द्वारा मैसेज कन्वे होती हैं। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, हम अपने बोर्ड पर ध्यान देते हैं। सपोज करें कि यहाँ ये CNS है और ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, दिस इज द CNS एंड दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन। इस CNS से एक नर्व फाइबर निकल रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, फिर यहाँ से दूसरी नर्व फाइबर निकल रही है जो इफेक्टर ऑर्गन पर जाके खत्म हो रही है। CNS से नर्व फाइबर निकली, टर्मिनेट हो गई, फिर यहाँ से दूसरी नर्व फाइबर निकली और वो जाके कहाँ पे खत्म हो रही है, इफेक्टर ऑर्गन पे। अब इन दो नर्व फाइबर के बीच में एक गैप आ गई,
यहाँ पर जो रिसेप्टर ऑर्गन है और नर्व फाइबर है इन दोनों के बीच में भी एक गैप आ गया। इस गैप का हम नाम देते हैं, इट इज गैप वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसके दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं क्लेफ्ट, और ये आप यूज कर सकते हैं दीज आर द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब जब हम पूरे का नाम देंगे जिसे कहेंगे इट इज द गैंग्लिया, मीन्स एक नर्व फाइबर सीनस से ओरिजिनेट हो रही है और गैंग्लिया में आकर टर्मिनेट हो रही है, फिर दूसरी नर्व फाइबर गैंग्लिया से ओरिजिनेट हो रही है और इफेक्टर ऑर्गन में आकर टर्मिनेट हो रही है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है इस गैप के अंदर एक केमिकल पाई जाएंगी या ये केमिकल इन नर्व फाइबर का सिग्रेट की जाएंगी और इस केमिकल को नाम देते हैं इट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब जो गैंग्लिया से पहले का जो नर्व फाइबर है इसे कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, इसके बाद का जो नर्व फाइबर है उसे कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। गैंग्लिया से पहले प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया के बाद इट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब जो ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स है ये दोनों जगह पाई जा सकती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी। पोस्ट गैंग्लियोनिक भी दोनों जगह पाई जा सकती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी। यदि ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है जिसका नाम देंगे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और यदि ये पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का है जिसका नाम देंगे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिमिलरली यदि यहाँ पे हम रहेंगे ये हमारे नर्व फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है जिसे नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और यदि वो पैरासिंपैथेटिक का है तो नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। क्लियर बात ये कि हमारी गैंग्लिया है, ये हमारी प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है और ये हमारी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स है। अब हम लोग अपने मूल पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे, मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द कोलिनर्जिक सिस्टम या कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। देखिए कि जो गैंग्लिया है इस गैंग्लिया के अंदर एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होती हैं। ये फाइबर सिंपैथेटिक सिस्टम का हो या पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का हो, जो गैंग्लिया होगा वहां जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सी होगी, दैट इज द एसिटाइल कोलिन। तो पहला दो पॉइंट हो गया कि एसिटाइल कोलिन किसके द्वारा सिक्रीट की जाती है, तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होगी, और दूसरा कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा भी एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होगी। तो ये हमारी दो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होगी, नंबर वन इज द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, नंबर टू इज द प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। थर्ड पॉइंट कि जो पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं उसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होंगे, मींस जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है ये एक जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती है उसका भी नाम क्या होता है, इट इज द एसिटाइल कोलिन। मींस तीन जगह होंगे, थ्री पार्ट्स होंगे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स है। फर्स्ट पहला कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स कौन सा हो गया, इट इज द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। दूसरा कोलिनर्जिक न्यूरॉन कौन सा हो गया, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। और तीसरा कोलिनर्जिक न्यूरॉन कौन से हो गए, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। इसके अलावा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी एसिटाइल कोलिन वर्क करता है, एक्ट करता है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। और लास्ट में कि जो हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्व स्केलेटल सिस्टम में अगर टर्मिनेट हो रही है वहां पर भी एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होती है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर्स। यहां देखिए बोर्ड पर क्लियर लिखा हुआ है कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, दूसरा अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ द पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर, और तीसरा हो गया सोमैटिक नर्व फाइबर एंडिंग इन द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, के जो मसल्स है उस मसल्स में जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स एंड हो रही है वहां पर भी एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है, और हमारे बॉडी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होती है। मीन्स ये हमारी सारी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हो गई, ये हमारी कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स हो गए, और ये जो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स होंगे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। अगर थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं
कि जो एसिटाइल कोलीन है ये एसिटाइल कोलीन का फेट हमारे बॉडी में क्या होगी, हमारे बॉडी में ये किस तरह से ये एसिटाइल कोलीन अपना एक्ट या प्रोड्यूस करती है। जो एसिटाइल कोलीन है हमारी बॉडी के अंदर, इस एसिटाइल कोलीन की जो भी मूवमेंट हो रही है उस पूरे मूवमेंट को चार या पांच स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज द सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइल कोलीन बाय द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। हम लोग जान चुके हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कौन कौन सा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जान चुके हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कौन कौन सा है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा एसिटाइल कोलीन का सिंथेसिस। दूसरा स्टेप हो गया कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा एसिटाइल कोलीन का स्टोरेज। तीसरा स्टेप हो गया कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा एसिटाइल कोलीन का रिलीज। और पांचवा स्टेप हो गया कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा एसिटाइल कोलीन का यूज या उसकी मेटाबॉलिज्म। और लास्ट स्टेप हो गया कि रिसाइकलिंग ऑफ द एसिटाइल कोलीन, जो एसिटाइल कोलीन रिसाइकल होकर दोबारा से स्टोरेज में चले जाए। तो ये जो पूरे साइकिल है पांच या छह स्टेप्स हैं, इन पांच और छह स्टेप्स को हम लोग एक बार डिटेल स्टडी करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करते रहूंगा, स्टेप्स कौन कौन से हैं। नंबर वन इज द सिंथेसिस, नंबर टू इज द स्टोरेज, नंबर थ्री इज रिलीज, नंबर फोर इज सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज मेटाबॉलिज्म एंड रिसाइकलिंग। सबसे पहले अब हम इन स्टेज के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि एसिटाइल कोलीन केमिकली है क्या। तो जब देखते हैं जो एसिटाइल कोलीन का हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एसिटाइल कोलीन इज द एस्टर ऑफ द कोलीन एंड एस्टिक एसिड। ये कोलीन और एस्टिक एसिड को जो एस्टर होगा उस एस्टर को नाम कर देंगे इट इज द एसिटाइल कोलीन। और जो ये किसके द्वारा सिंथेसाइज की जा रही है तो बाय द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं हम लोग जान चुके हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन बाय द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स से एसिटाइल कोलीन को कैसे सिंथेसाइज करता है। कोलीन एक केमिकल है जो ये कोलीन आपको याद आ रहा होगा कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है। कोलीन इज ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन पाए जाएंगे और उनमें से एक विटामिन कौन सी हमारी है इट इज द कोलीन। अब यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, हम डायग्राम पर थोड़ा आसानी समझ सकते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, इनके स्टोरेज कैसे हो रही है, ये रिलीज कैसे हो रहे हैं, रिसेप्टर पर कैसे एक्ट कर रहे हैं, दोबारा रिसाइकलिंग कैसे हो रही है। सबसे पहला स्टेप हो गया कि जो कोलीन होगा वो कोलीन हमारे इस नर्व सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। और ये नर्व सेल्स के अंदर कैसे एंटर करेंगे तो थ्रू द सोडियम चैनल। मीन जो सोडियम होगा इट्स दिस सोडियम विल एक्ट एज ए कैरियर टू कैरी द कोलीन इनटू द कोलीन फ्रॉम द ब्लड और फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द न्यूरॉन्स। अब जब चूंकि ये कैरियर के थ्रू आ रहा है तो कोलीन किस प्रोसेस से एंटर कर रहा है तो इसे कहेंगे इट इज द एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कि कोलीन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करती है। और ये और वो कैरियर कौन सा है दैट इज द सोडियम आयन दैट इज द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल के थ्रू न्यूरॉन्स के अंदर हमारी कोलीन आ गई। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो कोलीन होंगी ये कोलीन एसिटिक एसिड या एसिटाइल ग्रुप से एसिटिक एसिड के एसिटाइल ग्रुप से कंबाइन करेंगे और वो हमारा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कि कोलीन क्या करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए अपना एसिटाइल ग्रुप इस कोलीन को ट्रांसफर कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज। एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल को कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को किस पे ट्रांसफर कर रहा है कोलीन पे और हमारी बन गई एसिटाइल कोलीन। ये जो एसिटाइल कोलीन होंगी वो आकर के एक जगह पे स्टोर हो जाएंगे होती रहेंगे और इसको नाम देते हैं इट इज द वेसिकल्स। की वेसिकल्स होंगे उस वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे एसिटाइल कोलीन आकर स्टोर हो जाएंगे। अब सपोज करें कि कोई इंपल्स आ रहा कोई मैसेज आ जो मैसेज इधर से हो आ रही है तो ये क्या करेंगी ये इसको डिपोलराइज करती है और डिपोलराइजेशन क्या होगा कि जो कैल्शियम चैनल है वो कैल्शियम चैनल हमारी एक्टिवेट हो जाएंगे और बाहर के जो कैल्शियम होगा वो न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करेगा। हम लोग सिंथेसिस जान लिया कि एसिटाइल कोलीन कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। अब हम लोग और एसिटाइल के बाद ये स्टोरेज कैसे हो रहा है तो इन द वेसिकल्स वेसिकल्स होंगे उस वेसिकल्स में बहुत सारे एसिटाइल कोलीन स्टोर रहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि रिलीज सिंथेसिस बाद क्या होगा इसका स्टोरेज होगा स्टोरेज बाद क्या होगा कि रिलीज ये कैसे रिलीज हो रहा है। तो रिलीज जो होगा
जैसे यहां से मैसेज आएंगे ये जो कैल्शियम चैनल होंगे ये कैल्शियम चैनल हमारी एक्टिवेट हो जाएंगे और बाहर जो कैल्शियम होगा वो कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही ये कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर एंटर करेंगे वो इन वेस्किल के कॉन्टेक्ट में आएंगे और जो वेस्किल होंगे वो रैप्चर हो जाएंगे और रैप्चर होके एसिटाइलकोलाइन को रिलीज कर देंगे। मींस जो हमारी ये कैल्शियम है ये क्या काम कर रही है कि इट कॉज फ्यूजन ऑफ द वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन जो सेल मेम्ब्रेन है उस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के साथ ये कैल्शियम जो है इस वेसिकल्स को फ्यूज करवा रही है, फ्यूजन हो रही है और जिस प्रोसेस के द्वारा एसिटाइलकोलाइन बाहर निकल रही है उस प्रोसेस को नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। वर्ड क्या है? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये जो एसिटाइलकोलाइन होगी वो एसिटाइलकोलाइन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बात ये कि यहाँ पे इंपल्स आई, डिपोलराइजेशन हुआ, इस डिपोलराइजेशन से कैल्शियम आयन अंदर को एंटर हुआ, अंदर एंटर होने से वो वेसिकल को एक्टिवेट किया और वेसिकल के एक्टिवेट होने से जो एसिटाइलकोलाइन होंगी ये जो वेसिकल्स होंगे वो वेसिकल हमारे सेल न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर यहाँ से ये एसिटाइलकोलाइन रिलीज हो जाएंगे। जब एक बार जो मैसेज इंपल्स हो रहा है, जो हमारी कंडक्शन आ रही है, हमारी जो इंपल्स आ रही है, एक इंपल्स जब आती है तो अराउंड 300 वेसिकल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन को। अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। मीन्स एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हो गई और यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम कर रही है, यहाँ रिलीज हो गई, अब यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे। अब ये काम कैसे करेंगे कि ये जो एसिटाइल कोलिन है इस एसिटाइल कोलिन का फेट देखते हैं क्या होता है कि एसिटाइलकोलाइन आकर रिसेप्टर से कंबाइन करेगा। जैसे ही रिसेप्टर से कंबाइन करेगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैसेज तो कन्वे हो गई, लेकिन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये एसिटाइलकोलाइन जो होगी वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे और जिस एंजाइम का मेटाबोलाइज होगा उसे कहेंगे एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। उसका नाम क्या होगा? एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। मीन्स दो एंजाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, एक हो गया हमारा ट्रांसफरेज और दूसरा हमारा क्या हो गया एस्टरेज। इस ट्रांसफरेज क्या कर रहा है? एसिटाइल ग्रुप को कोलिन के साथ कंबाइन करवा रहा है और एस्टरेज क्या कर रहा है? इस एसिटाइल ग्रुप को ब्रेक कर दे रहा है। किसमें ब्रेक कर रहा है? एसिटेट में और कोलिन में। अब देखिए कि जो एसिटाइलकोलाइन ये सारे एसिटाइलकोलाइन से रिलीज हुई, ये एसिटाइलकोलाइन का तीन फेट होगा, एक तो होगा कि हमें मेटाबोलाइज, एक तो होगा ये एसिटाइलकोलाइन दोबारा से इसके द्वारा कैप्चर कर ली जाएंगी इस सिनैप्टिक क्लेफ्ट में, वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वो न्यूरॉन के साथ अटैच होंगी। कुछ होंगी जो रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे और मैसेज को कन्वे करेंगे अगले न्यूरॉन्स को या इफेक्टर ऑर्गन को, और कुछ एसिटाइलकोलाइन होंगी जो मेटाबोलाइज होंगे और किसमें मेटाबोलाइज होंगी? कोलिन में एंड एसिटेट में। अब ये जो कोलिन में हो रही है ये कोलिन दोबारा रीअपटेक 50 जो ये दोबारा के दोबारा कहां ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर से ये कोलिन हमारे इस नर्व सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे और इस तरह से ये रीसाइक्लिंग, इस कोलिन की रीसाइक्लिंग हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप क्या हो गया? दैट इज द रीसाइक्लिंग ऑफ द कोलिन। और इस तरह से हमारी एसिटाइल जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो एसिटाइलकोलाइन रिलीज करती है, एसिटाइलकोलाइन सिंथेसाइज करती है, एसिटाइलकोलाइन को स्टोर करती है, एसिटाइलकोलाइन को रिलीज करती है, मैसेज कन्वे करती है, फिर उनको मेटाबोलाइज करती है और दोबारा ये कोलिन फिर से हमारे इस साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। और इसमें से कुछ एसिटाइलकोलाइन ऐसा होगा जो यूटिलाइज हो गई, कुछ एसिटाइलकोलाइन ऐसा भी होगा जो ब्लड के अंदर चली जाएंगी और वहां से बॉडी में सर्कुलेट। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हुई, दैट इज द कोलिनर्जिक सिस्टम और एसिटाइल कोलिन। आज हमने सिर्फ इसके इसके सिंथेसिस और रिलीज के बारे में डिस्कस किया, आज हमने एक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया। अगले किसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि बॉडी के ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने से क्या क्या फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आज की वीडियो आप सुन इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बाकी जो टॉपिक होंगे जो नेक्स्ट जो हमारे नॉलेज पेज है उसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।